विपक्ष हमलावर है, लेकिन सरकार का दावा है कि वो लगातार एक्शन मोड में है और विभिन्न संस्थाओं के जरिए लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई करने में जुटी रेलवे अब तक 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला चुकी है। बुधवार को रेलवे की 100वीं ट्रेन 51 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर पहुंची। इन 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए रेलवे अब तक 9 राज्यों को 6,260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। बुधवार को रेलवे ने देश में 800 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन विभिन्न राज्यों तक पहुंचाई। देश में कोरोना की दूसरी वेव की भीषण परिस्थितियों में जहां देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं रेलवे लगातार इस कमी को पूरा करने में जुटी है। इसी कड़ी में बीते 2 सप्ताह से देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी रेलवे की 100वीं ट्रेन मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची। इससे पहले देर रात रेलवे ने उत्तराखंड को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डिलीवर किया, जबकि पुणे को 55 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेलवे के अब तक के सफर पर नजर डालें तो रेलवे अपनी इन 100 ट्रेनों के 396 टैंकर्स के जरिए 6,260 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचा चुकी है। जिन राज्यों को रेलवे ने अब तक ऑक्सीजन मुहैया कराई है, उनमें यूपी, दिल्ली, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्य हैं। इन राज्यों में अब तक महाराष्ट्र को 407, 1680 मीट्रिक टन यूपी को, 360 मीट्रिक टन एमपी को, 939 मीट्रिक टन हरियाणा को, 123 मीट्रिक टन तेलंगाना को, 40 मीट्रिक टन राजस्थान को और 2404 मीट्रिक टन दिल्ली तक पहुंचाई जा चुकी है, जबकि अभी भी रेलवे का ऑक्सीजन पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।